ना तो जो अपने लिए कर रहे हैं, खा रहे हैं मजे से बैठ के, क्या अपनी शूटिंग वूटिंग अपने बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, क्या है जो बना हुआ देश था उसको बेच रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं, वही है। मतलब बागवानों के लिए जो करना चाहिए वैसे कुछ भी कर रहे, मतलब जबरदस्ती का जीना कर दिया है सरकार ने। गालियां तो मारते है ना कांग्रेस को जिन्होंने किया था, मतलब हर चीज उन्हीं की देन है, ये कांग्रेस की देन है। ये 70 साल में क्या किया तुमने, क्या कर दिया इतने सालों में, वो तो वहां से यहाँ तक गिन रहे ना 70, तुम्हारे को तो कितनी साल हो गई अब, क्या कर रहे। तो किसान भाइयों, सेब के बगीचे दिखाने का प्रयास हमारा काफी समय से आप लोगों के लिए था, लेकिन हमें कोई किसान भाई, बागवान भाई हमें खेतों में नहीं मिल रहा था, बगीचों में नहीं मिल रहा था। लेकिन खड़ा पत्थर में मैं इस वक्त मौजूद हूं और चंद्रकांता जी अपने खेत में यहां पर मौजूद है और इन्हीं से हम बातचीत करते हैं, जानते हैं इनके सेब के बगीचों के बारे में, क्या क्या वैरायटी इनके पास है और इनके प्रोडक्शन जो है वो कब तक मार्केट में पहुँचेगी, ये सारी बातें इनसे करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा किसान न्यूज़ से बने रहने के लिए। और आपको पहले तो मैं यहाँ की फ्रूटिंग दिखा देता हूँ, आपको सीडलिंग के ज़्यादातर प्लांट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और फ्रूटिंग इनकी किस तरह की है वो आप देख सकते हैं। अभी काफ़ी छोटा साइज है। और वैसे कब तक तैयार हो जाता है जी फ्रूट यहाँ पर आपके पास? 5-6 सितंबर से शुरू करेंगे। 5-6 सितंबर से? अच्छा अच्छा मतलब 2 महीने लगभग लगेंगे। अच्छा, तो अभी खेतों में आप क्या कर रहे हैं जी? अभी स्पोर चले है, घास कटाई चला है। अच्छा चलो, तो खुद भी सेब लेके जाते हैं मंडी? नहीं जी, हम तो नहीं जाते। अच्छा, जेंट्स ही जाते हैं घर के? जेंट्स भी ऐसे भेज देते हैं। अच्छा चलो, तो मौसम कैसा है इस बार फसल के लिए सेब की? अच्छा है। अच्छा, पहले तो ड्रॉट काफी था, आजकल चला ठीक है, मतलब चला। तो सीडलिंग और रूट स्टॉक दोनों पे काम करते हैं कि सिर्फ सीडलिंग पे ही काम करते हैं? ऐसे तो दोनों पे, पर ज़्यादा भी ज़्यादातर सीडलिंग। लाइफ ज़्यादा अच्छी है, प्रोडक्शन मेरे ख्याल से इसकी सीडलिंग की ज़्यादा अच्छी रहती है। तो इसकी थिनिंग वगैरह भी कर दी आपने, निकाल दिया है एक्स्ट्रा फ्रूट इसमें? थोड़ा सा निकाला, ज़्यादा तो नहीं। अच्छा, पर साइज़ नहीं इस बार ज़्यादा। हाँ, साइज़ काफ़ी छोटा है अभी, मतलब इधर तो है, इधर ऊपर तो है। अच्छा, थोड़ा बड़ा भी है जी, छोटा भी है। अच्छा हाँ, ऊपर की तरफ ये रेड गोल्डन है। अच्छा, ये वाला जो रॉयल है? अच्छा, ये वाला रॉयल है। ये छोटा प्लांट लग रहा है? ये छोटा तो नहीं, मतलब 8-9 साल का पौधा है। अच्छा हाँ, बढ़ेगा ये भी अपने। वैसे एवरेज देखें तो किसमें ज़्यादा बढ़िया रहती है? एवरेज तो साइज बनेगा तो एवरेज बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगा तो फिर एवरेज भी कहाँ लेता है। यहाँ आप लोग सिर्फ सेब पर निर्भर रहते हैं या इसके अलावा भी कोई और फसल? कुछ नहीं, वही है सिर्फ सेब। सेब पहले आलू होते थे, वो भी नहीं है, जब से लेबर कम हुई तब से जी आलू भी कम हो गया। लेबर का बहुत रोल रहता है, लेबर के बगैर तो काम मुश्किल है, इतना संभालना। कितने प्लांट्स आपके पास होंगे जी? प्लांट्स तो होंगे 2-2.5 हज़ार। तो साथियों मैं बता दूं, हम लगभग 6,000 से 6,500 की फीट की जो है वो हाइट पर हैं और ये जो आप बगीचा देख रहे हैं मैं प्रॉपरली आपको दिखाता हूं। तो ये इनका बगीचा है, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ यहां पर और सीडलिंग की वैरायटीज़ ज़्यादा है। रूट स्टॉक भी लगा है लेकिन रूट स्टॉक शायद थोड़ा ऊपर की ओर है। और जैसा आपने बताया रॉयल है, और कौन कौन सी वैरायटी है आपके पास? गोल्डन है जी। स्पर में कौन सी वैरायटी रहती है आपके पास? एक ही है, स्पर में तो एक वैरायटी है। अच्छा अच्छा, चलो ज़्यादा बारीकी से, बाकी रॉयल बस। बहुत ही खूबसूरत पेड़। और अगर हम सेब की भी बात करें तो देख सकते हैं आप, छोटे छोटे सेब काफ़ी अच्छे, काफ़ी बेहतर कंडीशन में। और अगले 2 महीने में आप इसे फुल शेप में देखेंगे, हालांकि कवरेज के लिए हम यहां पर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मार्केट में इस तरह का सेब आपको जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। जो साथी देरी से जुड़े हैं उनको बता दूं कि हम इस वक्त जो है जिला शिमला के खड़ा पत्थर में मौजूद हैं, खड़ा पत्थर मंडी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको जिसका वीडियो दिखाया। और उस मंडी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर
जो है ये बगीचा है जहाँ हमें यहाँ पर जो महिला बागवान हैं उनसे रूबरू होने का मौका मिला यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छे सेब के बगीचे और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर काम होता हुआ। तो इस तरह की सपोर्टें ये कामयाब रहती है जी, मतलब पौधा जब वजन लेगा, फ्रूट जब वजन लेगा तो ये टिक पाएंगी। मतलब काफी टाइम से कर रहे हैं तरह की प्रैक्टिस, पहली बार नहीं। अच्छा चलो, क्योंकि मैंने देखा ना कि लकड़ तो मिलते नहीं है, काटने देते नहीं है, ऐसे चाहे सड़े पड़े रहेंगे जंगलों में। जी जी सड़ते रहेंगे। अच्छा पहले लकड़ बागवानों के लिए कोई सुविधा तो देते नहीं है। बागवान परेशान रहता है जी, बहुत परेशान। इस बार तो ज्यादा ही परेशान है। क्या वजह मानते हैं? क्या हर चीज महंगी तो है, क्या पेटियां देखो, ट्रे देखो जी। अभी एक दिन बेचारे कोई ले गए थे शराब की पेटियों में। अच्छा ये तो सपोर्ट करना चाहिए ना, तो वो भी तो जी खरीदने वाला भी लो जी देखो जी मैंने एक मैंने खरीदा कर, उसको भी बोलना चाहिए था कि भाई इतना महंगा है, थोड़ी हमदर्दी तो उसके प्रति होनी तो चाहिए थी ना, किसान के प्रति चाहिए जी। अब इतनी महंगी होगी उसके पास कोई जरिया नहीं है, तभी तो ले जाना, चोरी छिपे ले जाने। चोरी छिपे तो नहीं ले तो गया था बेचारा, खाली शराब की पेटियों में अपने सेब बेचने के लिए। अच्छा शराब की पेटियों में सेब। अब जिसके बाद जरिया नहीं होगा तो मंडियों में तो पहुंचाना है जी जी। अच्छा हमारे बागवान कुछ ऐसे भी है जिनको पेटियां खरीदने के लिए भी के लिए नहीं थी, बेचारा ले गया अपने सर होंगे या नाशपति जो भी होंगी जी। अब बंदा ये भाई उसको भी तो थोड़ा वो तो होना चाहिए कि भाई चलो लो जी मैंने खरीद लिया, ऐसे कौन खरीदता है, अरे नहीं खरीदता तो रहने देता कोई और खरीदता, ऐसे थोड़ी होता है। अब सरकार तो बेचारी ऐसे भी अपने शूटिंग वूटिंग पे मतलब आड़ती भी जिम्मेदार की बागवान की समस्या को नहीं समझता, नहीं समझते कोई नहीं समझता ऐसे ही। अब हम भी छड़े नौकरी रह गए, मतलब ये कि करते जाओ जी। हाथ में कुछ नहीं है। तो क्या लगता है आपको सरकार को क्या करना चाहिए बागवानों के लिए? करना तो जो अपने लिए कर रहे हैं, खा रहे हैं मजे से बैठ के जी। क्या अपनी शूटिंग वूटिंग अपने बाहर जा रहे घूम रहे फिर रहे, क्या है जो बना हुआ देश था उसको बेच रहे, बाकी क्या कर रहे वही है। मतलब बागवानों के लिए जो करना चाहिए वैसे ही कुछ भी कर रहे, मतलब जबरदस्ती का जीना कर दिया है सरकार ने जी। गालियां तो मारते है ना कांग्रेस को जिन्होंने किया था जी, मतलब हर हर चीज उन्हीं की देन है ये, कांग्रेस की देन है ये। 70 साल में क्या क्या तुमने क्या कर दिया इतने सालों में, वो तो वहां से यहाँ तक गिन रहे ना 70, तुम्हारे को तो कितनी साल हो गई अब, क्या कर रहे खून चूसा इन्होंने बागवानों का भी सबका ही, मतलब जबरदस्ती का जीना कर दिया, हराम कर दिया इन्होंने जीना सबको। सरकारें वैसे जो भी रही है पिछली, तो लगता है आपको कि बागवानों के लिए जो एफर्ट्स होने चाहिए थे उतने एफर्ट हुए हैं? सब जो भी किया कांग्रेस ने सब सब के लिए किया, सबको एक नजर से देखा है। बीजेपी वाले तो वही है अपने, बीजेपी से ज्यादा नाराजगी है सबको, ये तो दिख रहा है नाराजगी। क्या जितानी हमने क्या जिता तो है सामने है, देख रहे सब देख रहे हैं, मतलब अंदर से सब गालियां मार रहे हैं पर बात अब वो मुखोटे वाला दिखावा कर रहे हैं सब सारे जो भी है। गालियां किस वजह से आपको क्या लगता तो है? नहीं, आप खुद देखो, आप भी तो जी आप खुद देखो क्या है, हम भी तो देखते आ रहे हैं बचपन से लेकर क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी है सब देखते आ रहे। आपको लगता है कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, लेकिन जितने काम होने चाहिए बागवानों के लिए या किसान के लिए उतने कोई करता है? बागवानों के लिए नहीं, और जो और बेचारे वो भी क्या खाएंगे क्या करेंगे, काम कुछ नहीं रहा जी, हर चीज मतलब क्या ऐसी है। क्या बता, नहीं खुल के बोले आप, ऐसा कुछ नहीं है, मन की बात है वो, अगर बाहर निकले तो ज्यादा अच्छा है। इसी के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, बागवान अपने दम पे ही काम कर रहा है जो कर रहा है। एक दिन दम बागवान का भी ऐसी हो जाना, दम का दम भी कुछ नहीं है जी, इतना खर्चा है इसमें, दवाइयाँ कितनी महंगी है।
हर चीज मतलब अब। और खाद भी आसानी से नहीं मिलती है, खाद के रेट 1500-1700 रुपए कट्टा है, जो 250-300 रुपए में मिलता था आज से 10 साल पहले। 10 साल क्या, हमने तो जब से देखा मतलब सस्ता ही था, हर चीज सस्ती थी। अब जब से ये मतलब मोदी सरकार ने अच्छे दिन लाए ना, तब से मतलब बहुत बढ़िया हो रहा है सब कुछ। मोदी सरकार से काफी नाराज लगते हैं, बताया कि तो अच्छे दिन है, तो बोलो मत, जब बोलना है तो करो उसको दिखाओ। मतलब वायदा अगर पूरा करे कोई तो सरकार कोई भी हो, वही है वही तो। नाराजी सरकार से नहीं है, वायदों से है, जो कमिटमेंट पूरी नहीं की जा रही। तो अच्छे दिन आएंगे भाइयों बहनों, बस यही है भाइयों और बहनों। बाकी तो भाड़ में जाए जनता। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बोला तो बहुत कुछ था पर गुस्सा इतना आता ना, पर फिर काबू नहीं होता। नहीं नहीं, आप अपने मन की बात जो भी आपको लगती है आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं।